सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल जो पूछा गया है उससे संबंध में मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। प्रधानमंत्री जी ने अपनी तकरीर में कहा, अपने भाषण में कहा कि आपदा को अवसर के तौर पर देखना चाहिए, लेकिन हमको लगता है कि ये अवसर इस रूप में देखना चाहिए था कि देश में और रोजगार कैसे पैदा किया जाए, गरीबी को कैसे कम किया जाए, हम आत्मनिर्भर अपने उत्पादनों में कैसे बने, लेकिन उनके जो मुलाजिम हैं शायद उसको गलत तरीके से ले लिए। वो अवसर को इस रूप में देख रहे हैं कि कैसे इस देश में जो बोलने वाले लोग हैं उनको चुप करा दिया जाए। जहाँ तक सवाल है स्पेसिफिकली मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने का, तो इस संबंध में मैं ये कह दूं कि जो व्यवस्था आज हमारे सत्ता पे काबिज है उसकी शुरू से ही एक पहल रही है कि समाज को कैसे धर्म के नाम पे बांटा जाए, और इसकी शुरुआत 2014 में नहीं हुई है। दरअसल इसकी शुरुआत आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही हो गया था कि कैसे भारतीय समाज को धर्म के आधार पर दो अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सके, और मैं समझता हूँ कि उसका जो बीजारोपण किया गया था आज़ादी के आंदोलन के दौरान, और आज जब ये सत्ता में आ गए हैं तो ये उसका फसल काटने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे बार बार जो नैरेटिव इस देश में घूम घूम करके चलता है वो ये कहा जाता है कि जो मुसलमान भारत में रहते हैं वो भारत में रहते हैं, लेकिन वो समर्थन जो है वो भारत के विरोध करने वाले लोगों को करते हैं। तो वो क्या कहना चाहते हैं? वो दरअसल इस देश के भीतर ही एक इंटरनल इनमी खड़ा करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान तो मान लीजिए बंटवारा होकर के भारत से अलग होकर के चला गया, लेकिन आपके मोहल्ले में आपके टोले में कैसे एक पाकिस्तान खड़ा किया जाए, कैसे साथ में जो खेलने वाले लोग हैं जो एक साथ ही क्रिकेट खेलते हैं उनको आपस में कैसे बांट दिया जाए, एक साथ ही उनका व्यवसाय चलता है, उनकी दुकानें चलती हैं उनको आपस में कैसे बांट दिया जाए। और ये धर्म के आधार पे टारगेटिंग इसलिए होती है कि जब जब देश धर्म के बहस में उलझा रहेगा तो फिर लोग ये सवाल नहीं पूछेंगे कि आखिर इस देश में जीडीपी का 1.5% हेल्थ पे क्यों खर्च किया जाता है, आखिर इस देश में जीडीपी का कम से कम 6% जो है वो एजुकेशन पे क्यों नहीं खर्च किया जाता है, 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है, क्यों जो हमारे मजदूर हैं जो इस देश की अर्थव्यवस्था का चक्का चलाते हैं उनको आज रोटी नहीं मिल रही है। उनको सपना दिखाया गया था कि भाई आपको बुलेट ट्रेन देंगे, और वो अच्छे दिन के वादे में वोट भी किए थे। बुलेट ट्रेन तो छोड़ दीजिए, साधारण जनरल ट्रेन उनको नहीं मिल रहा है, और जो ट्रेन मिल रही है उसको पहुंचना था गोरखपुर, वो पहुंच जाता है कहीं और। एक अंग्रेजी हिंदी गाना है कि पहुंचना था जापान, पहुंच गए चीन। ये जो पूरी की पूरी परिस्थिति है जिसको हम कहते हैं बुनियादी सवाल से लोगों को गुमराह करना, उसके तहत ये टारगेटिंग की जाती है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती है, अब देखिए उसका अगला शब्द क्या होता है, जिहादी, नक्सली, एंटी नेशनल, टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य। इसमें किन लोगों को शामिल किया जाता है? मुसलमानों को शामिल किया जाता है, दलितों को शामिल किया जाता है, इस देश के भीतर जो मजदूरों और किसानों के हक और अधिकार को लेकर लड़ने वाले लोग हैं, जो महिलाओं के हक और अधिकार को लेकर लड़ने वाले लोग हैं, जो इस देश में न्याय और बराबरी की आवाज उठाने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, उनको इस कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा एक एक नैरेटिव खड़ा किया गया है, भाई ये लोग प्रो मुस्लिम है, भाई ये लोग एंटी हिंदू हैं। इस तरीके का नैरेटिव इसलिए बनाया गया है कि जो चाल 1947 में भारत के विभाजन के दौरान रची गई थी, और मैं फिर से आपको याद दिला दूं और सब लोगों को ये नोट करना चाहिए कि भारत का जब विभाजन हुआ उसका समर्थन हिंदू महासभा भी कर रही थी और मुस्लिम लीग भी कर रहा था, और मुस्लिम लीग के जो समर्थन करने वाले लोग थे वो पाकिस्तान चले गए, जो गांधी को समर्थन करने वाले लोग थे, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद को समर्थन करने वाले लोग थे, जो इस देश में कहते थे कि हम हिंदू हों या मुसलमान हों, सिख हों या ईसाई हों, हम सब हिंदुस्तानी हैं और मिलकर के साथ रहेंगे, वो लोग यहाँ रुके थे, और आज उनको इस देश में रुकने की सजा दी जा रही है। बार बार उनसे इस देश का नागरिक होने का कभी प्रमाण पत्र मांगा जाता है, कभी उनसे देशभक्त होने का प्रमाण पत्र माना जाता है, और ये नैरेटिव खड़ा किया जाता है कि ये जो तमाम विश्वविद्यालय हैं जिनके नाम थोड़ा मुसलमान सा लगे देखने में, उनको आतंकवादियों का अड्डा बताया जा सके, और उनके हक के लिए जो यूनिवर्सिटी खड़ा हो, चाहे जेएनयू खड़ा हो,
चाहे एचसीयू खड़ा हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खड़ा हो, चाहे बनारस यूनिवर्सिटी, हिंदू यूनिवर्सिटी खड़ा हो, उस यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं उनको इस टुकड़े टुकड़े गैंग के फ्रेमवर्क में डाला जा सके, और लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं उसको हमेशा गुमराह करके, हिंदू मुसलमान का एक गैर जरूरी बहस खड़ा करके। जहां तक कोरोना का सवाल है उसमें भी आप देख लीजिए कि लॉकडाउन तैयारी के साथ होना चाहिए था, लॉकडाउन तैयारी के साथ नहीं किया गया। लॉकडाउन करने के बाद इस देश में हजारों लाखों करोड़ों लोगों को परेशानी हुई, डॉक्टरों के पास पीपीई किट नहीं है, लोगों के पास दवाइयां नहीं पहुंची हैं, टेस्टिंग नहीं हो रहा है, अर्थव्यवस्था की हालत जो पहले से खराब थी वो और ज्यादा खराब हो गई है, बेरोजगारी का दर लगातार बढ़ रहा है, जिनको जो पढ़ाई कर रहे थे तो उनको चिंता है कि पढ़ाई उनकी कैसे खत्म होगी, जो पढ़ाई खत्म कर लिए थे उनको चिंता है कि नौकरी कैसे मिलेगी, जिनको नौकरी मिल गई थी उनको चिंता है कि उनकी नौकरी कैसे बचेगी। इन तमाम सवालों को गुमराह करके ये हिंदू मुसलमान के बहस में देश को फंसाना चाहते हैं। इसीलिए जिन साथियों ने भी ये प्रश्न किया है उनसे भी हमारा यही आग्रह है कि ये जो पूरा का पूरा मामला है, जिस तरीके से विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया है, जैसा कि बाकी साथियों ने भी आपसे अपील किया है कि आप केस के मेरिट को जाकर के देखिए और कोई भी केस उठा करके देख लीजिए। अगर हम लोग अपने ही केस का उदाहरण दें, इतने साल हो गए हैं, दिन रात प्राइम टाइम चला था कि देश के खिलाफ बोला गया है, क्या हुआ है उस मामले में, क्यों उस पे जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि उनको मालूम है कि इन सारे केसेस से ये लोग निर्दोष होकर के निकल जाएंगे। लेकिन ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, आप सोचिए, जिस लॉकडाउन के दौरान लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, लोग अपना क्लास नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई खत्म करने में उनको दिक्कत हो रही है, इस परिस्थिति में विद्यार्थियों को गिरफ्तार करके, जो प्रेग्नेंट महिला है उसको गिरफ्तार करके जेल में डाला गया है ताकि उसको यातना दिया जा सके, और तो उसको प्रताड़ित किया जा सके, और समाज को ये संदेशा दिया जा सके कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसकी आवाज को बंद कराएंगे। तो आप मीडिया साथियों से हमारा अपील है कि आप हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाइए, कि सरकार से हम सीधा सीधा मांग करते हैं, पहली बात ये कि ये जो बदले की राजनीति है सरकार बंद करे, जिन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बिना शर्त रिहा किया जाए, और तीसरी बात, दुनिया कोरोना से लड़ रही है, आप भी कोरोना से लड़ने पे अपना ध्यान फोकस कीजिए। एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, खिसियानी भाजपा विद्यार्थी नोचे, तो ये विद्यार्थियों को और विश्वविद्यालयों को नोचना बंद कीजिए, ये सीधा मांग है हमारा सरकार से। बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक शेयर कमेंट करें इस वीडियो पे और सब्सक्राइब कीजिए डेमोक्रेटिक चरखा को।